अगर तुम मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो, तुम्हारी निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, तो तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तो जितना आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, उतना अधिक महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। एक पत्रस 4:12 पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या प्राय काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, कुछ चीजें प्रभु चाहता है आपकी लाइफ से होके कुछ आप कुछ चीजों से गुजरे, प्रभु चाहता है, उसकी इच्छा है। अय्यूब के ऊपर जो दुख आया प्रभु की इच्छा के द्वारा आया। जब शाऊल 3 दिन के लिए अंधा हुआ तब उसने प्रभु को खोजा। यहाँ पे लिखा है प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रभु कई बार हमें कुछ जगहों से लेके जाता, कुछ परिस्थितियों से लेके जाता है। आज बहुत सारे लोग जब परीक्षाओं से निकल रहे हैं, दुख रूपी अग्नि उनके ऊपर भड़की है और हमें ऐसे लग रहा परमेश्वर से दूर हो गया है, लेकिन याद रखें इस परीक्षा में प्रभु सबसे अधिक आपके साथ है और वो देख रहा है आप इस परीक्षाओं को किस रीति से पूरा करेंगे, कैसे पास होके इसमें से निकलेंगे। जब तक आप परीक्षाओं से नहीं निकलते आप बनते नहीं है, जब तक आप दुख नहीं उठाते आपके अंदर सिद्धता नहीं आती। अचंभा ना करो, बड़ी बात हो रही है तुम्हारे साथ। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो वैसे ही उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जब हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं, मसीह के कारण आ रहे हैं, धर्मी होने के कारण आ रहे हैं, हम सताव सह रहे हैं, परीक्षाओं में से निकल रहे हैं, तो क्या करना है? रोना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं है, पर हमें आनंद करना है। जब आनंद करोगे तो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी, जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तो तुम आनंदित और मगन होगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो तुम, तुम धन्य हो। अगर तुम मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो, तुम्हारी निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, तो तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तो जितना आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, उतना अधिक महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। याकूब का हम पढ़ेंगे 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या लिखा? नाना प्रकार की, एक नहीं, आपके ऊपर तो हो सकता है एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है हे भाइयों, जब तुम, हे भाइयों मतलब विश्वासी लोगों से यहाँ पे बात हो रही है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ने में ही मुश्किल लग रही है जब हम इसमें से गुजरते हैं ना तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, रोना आता है, अकेलापन महसूस होता है, बहुत सारी तकलीफों में होती है हमें,
लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, अगर तुम इसमें से गुजर रहे हो तो तुम इसे आनंद की बात समझो। और क्यों समझो आनंद की बात, अभी आगे लिखता है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम्हारा विश्वास क्या है, परखा जाता है। तुम उस समय विश्वास में खड़े रहते हो या गिर जाते हो, निंदा करते हो या धन्यवाद करते हो, कुड़कुड़ाते हो या प्रभु की आराधना करते हो, आप क्या करते हो उस टाइम पर। हाँ, आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बने रहो, प्रभु मैं जानता हूँ मेरा मन किसी बात में मुझे दोष नहीं देता, ये दुख मेरे ऊपर आया, ये सताव, ये लड़ाई झगड़ा, जो भी चीजें मेरी लाइफ पे चल रही है प्रभु, मैं पूरा धीरज रखूंगा प्रभु, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। परमेश्वर खुदावंद, मैं जानता हूँ ये थोड़े समय का है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो परीक्षा क्या करती है, तुम्हें सिद्ध करती है, तुम्हें पूरा करती है, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होती, तुम परफेक्शन में जाते हो, तुम सिद्ध बनते हो अपने पिता की तरह। आपको याद रखना, इसलिए जब तुम मसीह के लिए दुख उठाते हो या तुम्हारे पर कोई परीक्षा आती है तो उसे क्या करना है, आनंद की बात समझना है, क्योंकि मसीह का आत्मा उसी समय तुम पे सबसे ज्यादा छाया करता है। अय्यूब जब दुख उठा रहा था, अय्यूब के ऊपर सताव आया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, प्रभु की नजरें कहाँ थी बताओ उस समय पे, प्रभु किसको देख रहा था। जब परीक्षा आई तो प्रभु की आंखें अय्यूब पे थी, अभी क्या बोलेगा, अभी इसकी पत्नी भी मेरी बुराई कर रही है और इसको भी बोल रही है निंदा करने के लिए, अभी मैं देखता हूँ अय्यूब क्या बोलेगा। प्रभु की आंखें कहाँ थी उस परीक्षा के और दुख के समय पे, अय्यूब के ऊपर थी। आप जब दुख उठाते हैं और चुप रहते हैं, आप सहते हैं, आंसू तो बहते हैं पर आप उत्तर नहीं देते, आप अकेले बैठ के रोते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, इससे भी बड़ा दुख आएगा मैं आपके लिए झेल लूंगा, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु। आप जानते हैं उस समय जो बातें आप करते हैं वही चीजें आपको सिद्ध करती है। बहुत सारी, मैं आपको बता दूं, मसीह लाइफ एंजॉय करने की लाइफ नहीं है, आप एंजॉय करते हैं लेकिन आत्मिक चीजों को, प्रभु की प्रेजेंस को। आप संसारिकता वाली आनंद और ब्लेसिंग नहीं होती आपके जीवन में, आप प्रभु को एंजॉय करते हो। हर एक व्यक्ति, चाहे वो इब्राहिम था, चाहे वो इसहाक था, चाहे याकूब था, चाहे यूसुफ था, चाहे दाऊद था, हर एक व्यक्ति परीक्षाओं से निकला और उनके जितनी ज्यादा, जिस व्यक्ति के ऊपर परीक्षा आई वो उतना ही बड़ा विश्वास का योद्धा और एक एग्जाम्पल देने के लायक बना। आज हम सबसे अधिक यूसुफ की एग्जाम्पल देते हैं, इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं, क्यों, 24 साल उसको बच्चा नहीं हुआ लेकिन उसे विश्वास नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को कहा कि प्रभु जिसने वायदा किया वो सच्चा है। चारों तरफ से कितने दबाव उसके ऊपर पड़ते हो, कितनी चीजें उसको सुननी थी, पड़ती थी, लेकिन वो अडिग रहा। इसलिए आज हमें विश्वास, जितने दुख, जितनी परीक्षाओं में लोग स्ट्रॉन्ग रहे, जितना दुख उन्होंने मसीह के लिए झेला, अपने विश्वास को छोड़ा नहीं, आज उन्हीं विश्वास के योद्धाओं की बातें की जाती है और एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। हाँ, जब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलते हैं तो यीशु का कौन सा कंफर्ट का मार्ग था, यीशु कौन से कंफर्ट के मार्ग से निकला, यीशु दुखों से निकला। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मेरे पद चिन्हों पे चलो। जब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलते हैं तो हम यीशु के समान दुख उठाते हैं, हम सहते हैं, हम बोलते भी नहीं है, हम एक कीमत अदा करते हैं, तभी हम सिद्ध। यीशु मसीह दुख उठा के ही वो हमें वो सिद्धता दे गया कि आज हम यीशु को देख के चल पाते हैं और किसी बात में, किसी चीज के लिए हमें दोष हम नहीं देते, हम सह पाते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने सहा, हम सह पाते हैं, उसके चेलों ने सहा। सचमुच एक सिद्धता का, एक सताप का जीवन है, दुख उठाने का जीवन है। दुनिया का कोई भी आपको बाहर से भले कितना भी वो व्यक्ति आपको लगे अरे इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं, जो लाइफ जितनी तपती है ना, उतना ही सुगंध फैलाती है, उतना ही सोना जब भट्टी में डाला जाता है ना, जब तक वो ता नहीं जाता, उसका खोट नहीं निकलता, ऐसे ही परमेश्वर भी हमें जब उस सेक में रखता है, उस परीक्षाओं में से होके जाने देता है, वो आग जो होती है उस समय पर, वो दुख रूपी अग्नि जो भड़की होती है, वो क्या कर रही होती है, हमें सिद्ध बना रही होती है, हमारे अंदर आत्मा के फलों को पैदा करती है, हमें बुद्धिमान बनाती है। याद रखिए, मसीह की अगर पदचिन्हों पे चलना है तो हमें वो परीक्षाएं और दुख उठाने होंगे जो लोगों के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा, बहुत सारी दर्द, बहुत सारे क्रूस के निशान, बहुत सारी कीले, हो सकता है लोहे की कीले ना हो, पर वो कीलों से भी अधिक दर्द आप सहते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके हृदय को तोड़ दिया, और जितना आप टूटते जाते हैं उतना आप बनते जाते हैं, उतने सिद्ध आप बनते जाते हैं। इसलिए अगर किसी को आज परमेश्वर तोड़ रहा है, कोई उस दुख रूपी अग्नि में से होके जा रहा है, अगर किसी के ऊपर वो दुख रूपी अग्नि भड़की है, कोई मसीह के कारण दुख सह रहा है, कोई अपनों का सताव सह रहा है, किसी का हृदय बहुत टूटा है, आंखों में आंसू भरे हैं, वो सिसकियां, वो दर्द, वो पेन जब हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यीशु से कहते हो, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, कहते हो प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ। आप जानते नहीं है, आप उस महिमा में सहभागी हो जाते हैं। यीशु ने भी कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस दुख के समय में भी यीशु को अपना दुख नहीं दिख रहा था, यीशु को पिता दिख रहा था। मैं चाहती हूँ आप अपने दुखों की ओर से नजर हटा के उस सताव, उस कलेश में भी यीशु की ओर नजर लगाएं और कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और अगर मैं इस दुख में से गुजर रहा हूँ तो मैं आपके पदचिन्हों पे चल रहा हूँ, और एक दिन प्रभु मैं तेरे साथ आनंद करूँगा, तेरे उस महिमा में सहभागी होऊंगा।